हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी वैसे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं गुड़गांव दिखाऊँ रात के वक्त। ठीक है, तो साइबर सिटी से होते हुए हम चलने वाले हैं इफ्को चौक पे, और ये वो जगह है जिसको हम बोलते हैं साइबर सिटी। ठीक है, तो इसका वीडियो आपने लॉकडाउन के टाइम का देखा होगा कि कैसा दिखता था, जब लॉकडाउन पूरा हो रखा था तो किस तरह से साइबर सिटी दिख रहा था। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिखता है ये रात के वक्त। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को आराम से देखना और इन्जॉय करना। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ से जाएंगे सिकंदरपुर, सिकंदरपुर से फिर हम MG रोड यानी कि जाएंगे, और फिर मैं इफ्को चौक दिखाऊंगा आपको। फोन चल रहा है, बहुत सारे ऑफिसेज नहीं ओपन हुए हैं, यू नो ज़्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही है, तो इसलिए ये सारी बिल्डिंग में आपको लाइट नहीं दिख रहा होगा। नहीं तो वैसे लॉकडाउन से पहले ना इस पूरी बिल्डिंग में लाइट जल रही होती थी, और हमेशा 24/7 शिफ्ट इसमें चलता है, मतलब तो चलता ही रहता है। ये सामने जो देख रहे हो ये है फुटओवर ब्रिज, लेकिन इस पर भी अच्छी खासी लाइटिंग इन्होंने कर रखी है, लेकिन फ़िलहाल अभी यूजर्स नहीं है तो इसलिए इन्होंने ऑन नहीं कर रखा है। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है साइबर सिटी। ठीक है, और कुछ ऐसा दिख रहा है साइबर सिटी लॉकडाउन के वक्त, क्योंकि वैसे बहुत सारी चीज़ों पर जो लॉकडाउन में रूल्स थे वो तो चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो बट अभी भी बहुत सारे ऑफिसेज ओपन नहीं हुए हैं और लाइफ उतनी भी नॉर्मल नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए इस पे इतना ज़्यादा आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये जो जगह है, और अभी रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त पे इस जगह पे फुल टू पैक रहता था, और जो लोग इसके आसपास या जिन किसी का भी ऑफिस होगा उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये जो सामने जो देख रहे हो जहाँ पे ये होर्डिंग्स लगी है, एक्चुअली ये रैपिड मेट्रो की लाइन है। ठीक है, और इस पे आईफोन्स का जो नया वर्जन है ना AC, उसका ऐड लगा हुआ है। मेट्रो चल नहीं रहा है तो इसलिए पूरा अंधेरे में है। लेफ्ट हैंड साइड में ये बिल्डिंग नंबर 5 है, ये वाला जो है। ठीक है, और पता नहीं अंधेरे में वैसे डूबा हुआ है ये जगह ना, वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मल दिनों में, बट मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं। यहाँ पर वैसे स्ट्रीट लाइट तो लगी हुई है, लेकिन ये फेज 2 का जो मेट्रो स्टेशन है ना, वैसे पता नहीं क्यों लाइट बंद है, बट ठीक है। तो मोस्टली टाइम मैं इधर से स्ट्रेट लेके आपको दिखाता था कि कैसा दिखता है, लेकिन आज मैं लूँगा लेफ्ट, और लेफ्ट लेके मैं जाऊँगा सिकंदरपुर होते हुए इफ्को चौक, जैसा कि मैंने बोला। राइट जाऊँगा तो गोल्फ कोर्स रोड पर, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा था लॉकडाउन के टाइम का, तो आपने अगर नहीं देखा तो देख सकते हो उसको जाके चैनल पर। लेकिन अभी फ़िलहाल अपन चलने वाले हैं किधर, सिकंदरपुर। तो अब जो आएगा वो सिकंदरपुर आने वाला है, और अगर आप कुछ साल पहले गुड़गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था, और ऐसा था भी नहीं, है ना। सिकंदरपुर याद करो, ये जगह कितना ज़्यादा इधर ट्रैफिक होता था, है ना, और भरी भरी रहती थी जनता हर वक्त। लेकिन अभी फ़िलहाल एक तो लॉकडाउन भी है, लेकिन जब से ये पूरा सब कुछ अच्छे से बना दिया ना ऑर्गेनाइज्ड करके, तो अब उतना ट्रैफिक नहीं लगता है। स्ट्रेट जाओगे तो अपन चले जाएंगे दिल्ली की तरफ, यानी कि मेहरौली की तरफ जा सकते हैं आप। ठीक है, मेहरौली जो दिल्ली में आता है, हमें यहाँ से यूटर्न लेना है, तो यूटर्न लेंगे और फिर हम जाएंगे इफ्को चौक पे, क्योंकि यकीन मानो ट्रस्ट मी जो इफ्को चौक है उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है, और ये इफ्को चौक वैसा नहीं दिखता जैसा आज से 5-6 साल पहले दिखता था। हाँ, बिल्कुल नहीं दिखता वैसा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, और वो जानना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, है ना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर लेना, क्योंकि आई एम श्योर आपने अगर नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और जिसने किया उनको पता है कि क्या फ़ायदे होते हैं वहाँ पर फॉलो करने के। कुछ अपडेट मैं वहाँ पर भी दे देता हूँ। ठीक है, एक ये भी रास्ता है, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा तो भी गोल्फ कोर्स रोड जा सकता हूँ। ठीक है, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सिकंदरपुर का पूरा एरिया है, और ये लेफ्ट में सिकंदरपुर का पूरा मार्केट है। ठीक है, और बहुत अच्छा बना दिया है इसको भी, सीधा जाओगे तो वही आप गोल्फ कोर्स रोड जा सकते हो, लेकिन हम इधर से राइट लेंगे क्योंकि हमें जाना है MG रोड, और अब जो मेट्रो स्टेशन आएगा वो आएगा सिकंदरपुर का। लेकिन ये जो मेट्रो स्टेशन है ये दिल्ली मेट्रो का जो है ना येल्लो लाइन, वो वाला है ये। ठीक है, और ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन रहा सामने आपके, और ये जो बनाया हुआ है ये चेंज करने के लिए बनाया हुआ है, ताकि रैपिड मेट्रो से अगर आप ट्रेवल करके और वापस इस येलो लाइन पे आना है तो ये चेंज करने के लिए, वो जो देखा था ना फुटबॉल,
अभी ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है, पहले तो इसका नाम नॉर्मल सिकंदरपुर होता था, लेकिन अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको ले लिया है। कॉन्सेप्ट आपको पता है कि दिल्ली मेट्रो क्या करती है कि जिसको भी ऐड के लिए चाहिए ना मेट्रो स्टेशन आप ले सकते हो, ठीक है, और अपने ब्रांड का वहाँ पे नाम भी आप दे सकते हो उस मेट्रो स्टेशन पे, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा था इसलिए, और वो अपना कलर कोड भी कर देते हैं। अब ये जो जगह है ये है MG रोड, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लीजिएगा तो आप जाइएगा फरीदाबाद रोड पे, और स्ट्रेट तो हम निकल जाएंगे यानी कि हम पहुँच जाएंगे इफ़्को चौक पे, इफ़्को चौक बिल्कुल। और हाँ, जो लोग गुड़गांव से होंगे ना या कुछ साल पहले गुड़गांव रहते थे, तो अभी एक जगह आने वाला है जिसका नाम है सहारा मॉल, पता है ना इसके बारे में? नहीं पता है तो मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, किसी वीडियो में बता दूंगा लॉकडाउन खुलने के बाद, जब लाइफ नॉर्मल होगी ना तो बता दूंगा कि है एक्चुअली क्या, अगर पता है तो बता देना। वैसे रात के वक्त उधर जाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, दिन में ठीक ठाक है भाई, ऐसा डरने की बात नहीं है, इतनी भी बुरी जगह नहीं है। लेकिन हाँ, जो गुड़गांव से होंगे और जो गुड़गांव में अगर पहले आप रहे होंगे तो आपको पता होगा, वैसे ये लेफ्ट में जो ये है ना, हाँ बहुत लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी बिल्कुल। और ये जगह तो बिल्कुल ही खाली दिख रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, वैसे दिखता नहीं है, आपको पता है कि ये कभी ऐसा नॉर्मल तो मुझे जितने सालों से मैं यहाँ पे हूँ मैंने कभी नहीं देखा है। MG रोड को तभी देखा था जब ये एरिया डेवलप नहीं था, ठीक है, तब देखा था, लेकिन उसके बाद से पिछले एक दो दशक के बाद से तो मैंने देखा भी नहीं है कि ऐसा कभी ये दिखा हो, ठीक है। और देखो कितना खाली खाली लग रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि अभी इफ़्को चौक आने वाला है? पहले ही पता चल जाता था सिकंदरपुर में ही कि इफ़्को चौक पहुंचने वाला है, क्योंकि गुड़गांव आपका बहुत तगड़े वाले ट्रैफिक के साथ स्वागत करता था पहले। ये MG रोड मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, ये इफ़्को इसके बाद आएगा, लेकिन ये जो मेट्रो स्टेशन है इसको सिस्का LED वालों ने ले रखा है, तो इसलिए ये लिखा है ना सिस्का MG रोड, वैसे इसका नाम जो है MG रोड मेट्रो स्टेशन है, और इसके बाद आता है इफ़्को चौक मेट्रो स्टेशन, और जो लास्ट है वो है हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन। अभी मेट्रो चल नहीं रहा है इसलिए आपको वैसे उधर अंधेरा सा दिखा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऑन वहाँ पे नहीं कर रखा है। अब पहुँचने वाले हैं इफ़्को चौक, और इफ़्को चौक पे पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इफ़्को चौक पे चेंज हो गई है। एक तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखोगे तो अभी शायद आपको दिखे या ना दिखे, आई एम नॉट श्योर, जो सेंट्रल पार्क मॉल है उस तरफ एक नया अंडरपास बना है, ठीक है। अगर आप हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ से आते हो और MG रोड पे आना है तो उस अंडरपास को यूज़ आप कर सकते हो, यानी कि वो अंडरपास मेरे राइट हैंड साइड में है, ठीक है। ये पहले यहाँ पे फ्यूल स्टेशन हुआ करता था, उसको हटा के नया अंडरपास बनाया है, तो आपको दिख रहा होगा वो उधर अंडरपास है। लेफ्ट यहाँ से लूँगा, ये जो लेफ्ट जा रहा है तो मैं हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन और इफ़्को चौक आएगा। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये है वेस्टर्न होटल जो है, कई बार मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाया होगा कि देखो ये वेस्टर्न होटल है, और दिखता भी है एक्सप्रेस वे से, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये नया एक फुटओवर ब्रिज बना है, और जो सामने देख रहे हो ये इफ़्को चौक, इफ़्को चौक पे ये नए बहुत सारे लेन भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और एक्चुअली में अब इफ़्को चौक लॉकडाउन के पहले भी ऐसे ही खाली दिखता था क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है, और ये रहा वेस्टर्न होटल ये जो सामने देख रहे हो, बट खाली है अभी तो, मतलब लॉकडाउन है तो कुछ है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए आपको वैसा ज़्यादा लाइटें वाइटें नहीं दिख रही, लेकिन लॉकडाउन से पहले वेस्टर्न होटल बहुत ही अच्छा दिखता है। ये इफ़्को चौक पूरा, और सामने जो देख रहे हो ये नया एक यू टर्न लेने के लिए बना है ये जो है, और इसके बाजू वाला जो है जो अभी दिखेगा आपको फ्लाई जो एलिवेटेड रोड, वो बाजू वाला एलिवेटेड रोड है जो NH8 है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। और स्ट्रेट अगर हम जाएंगे, ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं ना इधर हाँ इधर की तरफ स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो हम चले जाएंगे सेक्टर 14 की तरफ या बस स्टैंड जा सकते हैं। लेफ्ट जाएंगे तो हम जा सकते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, या फिर अगर आपको जयपुर जाना हो तो, या फिर गुड़गांव के किसी और एरिया में जाना हो, सेक्टर 30, 31, सेक्टर 15, इन सब जगहों पर जाना हो, राजीव चौक, सोना रोड, तो आप जा सकते हो इधर लेके, ठीक है। वाला देख रहे हो ये NH8 है, लेफ्ट वाला एक नया यू टर्न लेने के लिए बनाया है जस्ट टू अवॉइड कि जो ट्रैफिक जाम लग जाता था, जो क्योस हो जाता था ना पूरे इफ़्को चौक पे, उसको ख़त्म करने के लिए एक नया ये लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने एलिवेटेड रोड दिया है, ठीक है, और पूरा टाइप सी का बनाया है ताकि अगर जो MG रोड से बस और ये लोग आते हैं तो आराम से
बस स्टैंड जाने के लिए सी टाइप को यूज़ कर सकते हो, राइट हैंड साइड में दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं लॉकडाउन में जो गुड़गांव में, मैंने डे टाइम का तो आपको बहुत दिखाया है, अब मैं ट्राई करूँगा कि आपको नाइट में गुड़गांव कैसा दिख रहा है या कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसकी पूरी एक सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट मैं ट्राई करूँगा कि दिल्ली का जो पार्ट है वो भी कवर करूँ, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता जाएगा तो मैं करता रहूँगा, एंड ये प्रॉमिस है कि इसी तरीके से आपको मैं खूबसूरत खूबसूरत वीडियो दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और रहा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, माना कि लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे भी घर से तो ऐसा लगेगा वाह सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है, लेकिन आपको नहीं भूलना है कि अभी सब कुछ नॉर्मल हुआ नहीं है, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है कि ये जो फ्रीडम हमें अभी दी गई है हम कितने दिन तक इसे मेंटेन करके रखते हैं, और वो हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, डिसिप्लिन से, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, ठीक है, इसमें मैं आ चुका हूँ और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और बस कोरोना से अगर खुद को बचाना है तो अपना ख्याल रखिएगा, और जितना कम हो सके उतना कम आप बाहर ट्रेवल कीजिए, बाहर जाइए जब काम हो तभी जाना, और मास्क पहनना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर लेना, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।